चलिए, तो रिकॉर्डिंग विल स्टार्ट सून। ओके, तो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कल हमने सारा पढ़ा था डिटेल में, और अब हम उसके हमारे लंग्स की कितनी कैपेसिटी होती है, कितनी क्षमता होती है कि कितनी हवा हमारे शरीर के अंदर जाती है, कितनी वायु प्रवेश करती है, कितनी रहती है, कितनी वापस निकल जाती है, हम इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो वो हमारे कुछ वैल्यूज हैं कि जो हमें याद होनी चाहिए, और ये इसको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। इसमें कुछ अपना वैसे नहीं है कि आप इसको अपने हिसाब से उसको जोड़ घटाओगे। ये इतनी होती है तो इतनी होती ही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले टर्म आती है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम जो है वो जितनी भी हवा है, अमाउंट ऑफ एयर, आप जितनी इनहेल करते हो और या एक्सहेल करते हो हर एक सांस में, ठीक है ना। जब आप नॉर्मल, अभी नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में हो, यानी कि ज्यादा भाग दौड़ वाला काम करो या कुछ करो, नॉर्मल कंडीशन जो हमारी होती है, रेस्टिंग कंडीशन होती है, उसमें हम जो है एक श्वास में या एक प्रश्वास में हमारे शरीर के भीतर जितनी भी हवा जाती है, आती है और जाती है, ठीक है ना, वो हमारा टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। मतलब एक बार में हमारी जो एक इनहलेशन या एक्सहलेशन में जितनी हवा गई और बाहर या अंदर, तो टोटल जो हम उसको कहते हैं वो हमारी है टाइडल वॉल्यूम। उसका कितना होता है? 500 ml, ठीक है। यहाँ पे जो है हम लीटर्स में इसको करते हैं, तो आप ये सोचो कि आधा लीटर या 500 ml जो है एक हवा जाती है हमारे शरीर के भीतर। अब उसके बाद एक हवा जो होती है अंदर जाती है, फिर उसके बाद हम और उसको काउंट करते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या हवा होती है? अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली इनहेल्ड आफ्टर अ नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। इन एक तो आपने श्वास अंदर भरा, लेकिन उसके बाद आपने और जबरदस्ती से और श्वास अंदर भरा, ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये लगभग 2 से 3 लीटर तक हमारा हो सकता है, शॉर्ट में इसको IRV। ये फॉर्मूलाज आपको लिखने पड़ेंगे, ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। फिर है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब एक होता है कि आपने नॉर्मल श्वास भरी और उसके बाद और जबरदस्ती से भरी, लेकिन एक ये है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, आपने बहुत ही गहरा लंबा श्वास बहुत डीपली जो भरा, एक पहले तक ही आपने भरा, उसके बाद और भरा, पर ये आपने जितना भी एक ही बार में कितना भर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा टोटल हमारा? पहले टाइडल वॉल्यूम और फिर जो जबरदस्ती लिया IRV, तो ये टोटल मिला के हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। तो ये हमारी कितनी हो जाएगी? 2 से 3 लीटर प्लस 500 ml, तो 2.5 से 3.5 लीटर हमारी ये कहलाएगी। अब हमारी ऐसी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में, एक नॉर्मल हमने जब श्वास छोड़ी थी टाइडल वॉल्यूम था उसके बाद, लेकिन आप नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के बाद और अच्छे से श्वास बाहर निकालते हो, तो वो हमारा होता है ERV 1000 से लेके 1500 ml तक, मतलब 1 से 1.5 लीटर तक, ठीक है। अब हमारी बचती है रेजिड्यूअल वॉल्यूम RV। RV क्या है? अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सहेलेशन। आपने श्वास को बाहर निकाल दिया, अच्छे से बाहर निकाल दिया, लेकिन उसके बाद भी हमारे फेफड़ों में हमेशा ही कुछ ना कुछ हवा रह जाती है। क्यों रह जाती है? कोई बताएंगे? शायद लास्ट एलिवेल तक हमारी सांस पहुंचती नहीं, इसलिए रह जाती है। नहीं, वो सिकुड़ नहीं जाए मैम, इसलिए, वो इसलिए सिकुड़ नहीं जाए इसलिए। मैम ये कोलैप्स ना कर जाए, यदि हाँ माय लंग्स बिल्कुल, में जी एयर नहीं आपने रहेगा तो बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा। सही कहा। आपने कभी गुब्बारे में हवा भरी होगी? अगर आप गुब्बारे में से बिल्कुल भी हवा बाहर निकाल दोगे, उसे अच्छे से दोनों हाथों से मसल के ना उसको दबा देना, फिर क्या देखोगे? जो गुब्बारा आपस में चिपक जाएगा, चिपक जाता है ना, देखा होगा आपने, वो तो जी मैम, रबड़ जी है चिपक। तो ऐसे ही हम, अगर हमारे फेफड़ों में हवा नहीं होगी तो हमारे फेफड़े सिकुड़ जाएंगे, चिपक जाएंगे, और फिर कई बार वो जो गुब्बारा चिपक जाता है ना, उसके अंदर हवा भी नहीं प्रॉपर जा पाती है, देखना आप, है ना। तो इसीलिए हमारे फेफड़ों में हमेशा ही कुछ ना कुछ हवा रह जाती है, और वही हवा जो होती है हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम होती है। तो वो कितनी होती है? 1500 ml, ओके, ठीक है।
अब वाइटल कैपेसिटी हम किसे कहेंगे, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड, जब आपने बहुत अच्छा जितना भी श्वास भर सकते हैं भरा और उसके बाद आपने श्वास जो है मैक्सिमम जो छोड़ा, तो वो हमारा कहता है वाइटल कैपेसिटी। यही हमारे लंग्स की कैपेसिटी होती है बेसिकली। तो ये होता है हमारा टाइडल वॉल्यूम, एक नॉर्मल जो हमने सांस भरा लिया, उसके बाद और ज्यादा से ज्यादा अंदर भरा और फिर ज्यादा से ज्यादा बाहर छोड़ा। तो ये जितना भी होता है टोटल, ये हमारे लंग्स की कैपेसिटी होती है। तो ये आती है 500 प्लस 2 से 3 लीटर, फिर 1100 है, और फिर टोटल हमारी 3.5 से 4.5 लीटर हमारी ये आ जाती है। ओके, ठीक है। अब टोटल लंग कैपेसिटी हम किसको कहेंगे, ये वाइटल कैपेसिटी थी कि एक बार में श्वास हम कितना भर सकते हैं, लेकिन टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है इसमें हम रेजिडुअल वॉल्यूम भी बन रहे, मतलब टोटल हवा कितनी आई थी, तो वो हमारा इधर रेजिडुअल वॉल्यूम भी प्लस हो जाएगा कि अंदर जो हवा रह गई थी वो भी तो हम काउंट करेंगे ना, वो भी तो रह गई है, वो उसे हमें करना है। तो वो जब हम प्लस 500 कर लेंगे तो यहाँ पर ये हमारी हो जाएगी लगभग लगभग कितनी हमारी 5 से 6 लीटर। तो 5 से 6 लीटर हमारी टोटल लंग कैपेसिटी है। ओके, क्लियर है। एक ग्राफ के ऊपर जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है उसमें मैम ये टोटल मतलब 5000 ml में से ना ये श्वास बाहर एक्सहेल करेंगे हम, उन्होंने जो हाँ, आपने श्वास बाहर निकाला लेकिन उसके बाद आपने बहुत और बाहर निकाला कि नहीं अभी तो अंदर रह गया होगा, तो एक नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम का जो एक्सहेलेशन के बाद फोर्सफुली एक्सहेलेशन जो किया, तो उसमें 1 लीटर से लेके 1500 लीटर तक इसकी आपकी जो है हवा बाहर निकलती है, और एवरेज हम 1100 मान के चलते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम। हाँ, अब ये ग्राफ के माध्यम से भी इसको हमें बताया गया है, जो हमारा टोटल लंग कैपेसिटी हो गई है पूरा, हमारी कितनी हवा भरी कितनी हमें छोड़ दी, टाइडल वॉल्यूम हम नॉर्मल श्वास ले रहे हैं लेकिन और श्वास भरा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये वाला, फिर श्वास छोड़ा लेकिन और छोड़ा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये टोटल हमारा हो गया वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, लेकिन कुछ हवा तो इसमें रह गई थी, अगर उसको भी टोटल काउंट करते तो टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है, इस ग्राफ के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अब गैसियस एक्सचेंज की बात करेंगे, क्योंकि गैस आपस में कैसे बदलती है कि हर गैस का अपना एक प्रेशर होता है, हर अलग अलग दबाव पे ही हर जो है गैस प्रेजेंट होती है, उसका अपना जो है वो काम करती है, आप ऐसे कह सकते हो। तो जो गैस जहां पर ज्यादा होगी, अगर उसका दबाव ज्यादा होगा तो वो दूसरी तरफ जहाँ पे हल्का उसका दबाव होगा वहां चली जाती है, और एक जगह से दूसरी जगह इसी प्रकार से गैस जो है चली जाती है। तो द डिफ्यूजन, इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं, जो ट्रांसफर जो है बेसिकली, तो जो डिफ्यूजन है गैसेस का वो कहाँ पर होगा, जहां पर वो ज्यादा है, जहां पर उसका हायर कंसंट्रेशन है, तो वहां से कहाँ चली जाएगी, जहां पे कम दबाव है ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि बैलेंस करने की ही ऐसा कोशिश रहती है, तो जहां से ज्यादा उसे कम की तरफ चली जाएगी। तो यही कारण होता है कि जहां पे जो गैस ज्यादा होती है तो जहां पर वो दूसरी तरफ जहां कम होती है वो अपने आप वहां पर चली जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इसलिए कम जो है हमारे शरीर के अंदर हमारे वायुमंडल में इसी प्रकार से उनका जो है एक्सचेंज होता रहता है, और यही एक्सचेंज हमारे जो है ब्लड से, जब हम ब्लड में पहुंचते ही है हमारी ऑक्सीजन, जब एक टिश्यू तक पहुंचती है तो वहां पर भी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इनसे एक्सचेंज होता है। इस प्रोसेस को हम सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं, और ये हमारी झिल्लियों से ही होता है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो हमारी एल्वोलाई की होती है और जो हमारी ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन होती है वहां पे टिश्यू से होता है, वहां पे ये निरंतर ये प्रोसेस चलता रहता है। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ द एल्वोलाई एंड द कैपिलरी वॉल्स, है ना, तो वहां पर यह आदान प्रदान होता है, और वो जो होती है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बहुत ही पतली होती है, जहां से मैंने बताया था बहुत ही हल्की, इतनी कि आराम से वो पास कर चुके। तो एल्वोलाई आर द बेसिक यूनिट ऑफ गैस एक्सचेंज, एंड एल्वोलाई आर बेसिकली क्या है था, गुच्छे थे, टाइनी एयर सैक्स, जैसे छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं,
पानी के बुलबुले होते हैं या हवा के बुलबुले थे, वो लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब हम हवा भरते हैं तो वो उनके अंदर हवा भर जाती है और उनके ऊपर पूरा एक जो है ब्लड कैपिलरी से वो घिरे रहते हैं। फिर वहां से जब एल्विओली में गैस आती है वो ब्लड में चली जाती है वहां से, और फिर जो ब्लड के अंदर गैस ज्यादा आई हुई होती है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो वो दे देती है और बदले में ऑक्सीजन ले लेती है। फिर वो ब्लड वेसल्स है हमारे एक एक शरीर के अंग तक पहुंचाती है, और गैसेस जो है बहुत ही थिन वॉल्स जो होती है एल्विओली की कैपिलरी से वहां से पास हो जाती है, ठीक है ना। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड एल्विओली होता है, फिर ऑक्सीजन मूवमेंट इनटू द ब्लड होता है। तो ब्लड से फिर एयर एंटरिंग इनटू द लंग्स, वहां पे हवा पहुंचती है फेफड़ों में जहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। फिर वहां पे जब ज्यादा ऑक्सीजन होती है तो वहां पर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन चली जाती है एंड द ब्लड दैट फ्लोज इन द पल्मोनरी कैपिलरीज, और जहां पर हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड में ज्यादा होती है वो वापस वहां पर हमारे लंग्स को दे देता है, लंग्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। ऑक्सीजन मूव्स बाय द डिफ्यूजन टुवर्ड्स द एरिया ऑफ द लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक है ना। जो पल्मोनरी कैपिलरीज होती है ब्लड जो है उनको ऑक्सीजन मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। इसी तरह से ये जो होता है ब्लड का जो हमारे गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है इनके हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ, और बदले में इस तरह से हमारे शरीर को भी ब्लड लीविंग द लंग्स इज ऑक्सीजन रिच एंड कार्बन डाइऑक्साइड पुअर। तो यही एक्सचेंज हमारे पूरे शरीर में होता है, इस पिक्चर के माध्यम से आप देख लेते हो। तो ये हवा जो पहुंची है ये एक एल्विओली के अंदर पहुंची है, ठीक है। उस हवा के अंदर क्या ज्यादा है, लाल रंग में ऑक्सीजन, और उस एल्विओली के चारों ओर क्या होती है, कैपिलरी होती है। कैपिलरी क्या होती है, कैपिलरी में आप बिल्कुल एंड होता है, एंड कहाँ का, आर्टरी का एंड या वेन की स्टार्टिंग या वेन का एंड या आर्टरी की स्टैंडिंग, या आप कह नहीं सकते क्योंकि ब्लड कोई ऐसा चलक से नहीं है, वहीं पर ही जो है आर्टरी की शुरुआत भी हो जाएगी, आर्टरी खत्म भी हो जाएगी, या वेन की शुरुआत हो जाएगी या वेन खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो कैपिलरी आप ये सोचो कि ये जो बीच का जो पोर्शन है ना ये वाला, ये हम इसको कैपिलरीज बोलेंगे, बहुत पतली हो जाती है, वहीं पर ही हमारी जो आर्टरी भी और वेन्स भी दोनों मिक्स होती हैं, तो वहां पर आप बिल्कुल डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते थे क्या है। तो उधर ही जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वहां पर जो ब्लड जो आ रहा होता है, जो वेन्स का जो आता है वहीं से फिर वो वापस बन के चला जाता है आर्टरीज में। तो जो वेन से ब्लड जो आ रहा होता है उसके पास क्या ज्यादा होता है, उसके पास ज्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड दे देती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तो बदले में वो ऑक्सीजन ले लेती है, फिर वही ब्लड जो है ऑक्सीजन वाला भरपूर होके वो आर्टरी में चला जाता है, ठीक है। ये इसी तरह से ही होता है। एक मिनट अभी प्रश्न लेती हूँ। तो ये हमारा जो है ब्लड जो आया और इस तरह से ब्लड चला गया, जो ब्लड आया ऑक्सीजन ज्यादा थी, ऑक्सीजन दे दी, ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी, कार्बन डाइऑक्साइड दे दी। तो ये आदान प्रदान ऐसे होता है, फिर वो जाके ऑक्सीजन हमारे शरीर को दे देता है, ठीक है। तो ये जो झिल्ली होती है ये देखोगे, ये वाली झिल्ली जो है एल्विओली की है, और उसी के साथ ही साथ हमारी यहाँ पर जो ये जो हमारी है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन आप ये कहोगे यहाँ पर है, और यहाँ पे ही हमारी कैपिलरीज की है। तो दोनों की झिल्ली इतनी पतली होती है कि वहां पे हमारा गैसेस का एक्सचेंज बहुत आराम से हो जाता है, ठीक है। तो जहां पे जिस गैस का दबाव ज्यादा होता है वो उसके अलग तरफ पे जो है अपने आप ही चली जाती है, और इनसाइड रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन जो जो ऑक्सीजन जब जाती है ब्लड के अंदर तो वहां पर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है लाल रक्त में, वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से चिपक जाती है, वो बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और फिर वो हमारे शरीर को देती है, ठीक है। थोड़ी सी ऑक्सीजन हमारे प्लाज्मा में भी डिसॉल्व हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि प्लाज्मा को नहीं प्लाज्मा के अंदर नहीं रह पाता है, वो फिर चेंज हो जाती है थोड़ी सी कुछ और दूसरे आयंस में, और फिर वो वापस ही चली जाती है, और फिर कई जगह पे जो थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हीमोग्लोबिन से भी चिपक जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा रह जाती है, पूरी तरह से बाहर नहीं निकलती है, ठीक है। उसके बाद इंटरनल रेस्पिरेशन जो वो जो ब्लड होता है वो एक एक सेल तक लेके जाता है। तो ये इस तरह से हमारे पूरे शरीर में प्रक्रिया जो चल रही होती है, आप ये देखोगे। अब वो जो ब्लड था यहाँ पे लंग्स से, ये जो एल्विओली से
यहाँ से जो गया यहाँ पर आया, ऑक्सीजन वाला भरपूर ब्लड कहाँ गया, वो हमारे हृदय में गया। हृदय ने का काम था फिर पूरे शरीर को सप्लाई करना। तो जो लंग से जो जो ब्लड आता है वो पहले हृदय में जाता है, हृदय उसको पूरे शरीर के अंदर सप्लाई कर देता है, पूरे अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे, लिवर पे, स्टमक पे, हमारे मसल्स पे, हमारे सब जगह वो सप्लाई करता है। अब जब वो एक एक बॉडी के ऑर्गन तक, सेल तक पहुंचे, टिश्यू तक पहुंचते हैं, तो वहां पर यही होता है, वो जो सेल होता है वो ऑक्सीजन दे देता है और वहां पर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, और उसके बाद बदले में जो उत्पन्न होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा वो बन जाती है, तो फिर वो वापस आती है ब्लड के माध्यम से हमारे हृदय में, और हृदय से वापस कहाँ पहुंचती है, हमारे लंग्स में, और फिर लंग्स जब कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा होती है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है और बदले में फिर से ऑक्सीजन लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हमारा एक सर्कुलेशन का पार्ट है। तो जो ये जो ब्लड का जो यहाँ पर लंग और हृदय के बीच में होता है, ये हमारा, इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन भी बोलते हैं, और जो हमारा हृदय से लेके बाकी सिस्टम्स तक जो पहुंचता है इसको हम सिस्टमिक सर्कुलेशन भी कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो मैं सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट कर रही हूँ। मैम, वो आगे वाला वो था, उसमें मेरे ख्याल से या तो एरो का मिस्टेक है या तो फिर वो नाम का मिस्टेक है कुछ, तो भी आर्टरी और वेन वाला। ब्लू इज जी मैम, ऑक्सीजनेटेड, तो वेन आर्टरी होनी चाहिए ना, और डीऑक्सीजनेटेड वेन होनी चाहिए। नहीं सही लिखा है, बिल्कुल मैम नीचे देखिए, ब्लू में तो कार्बन सही डाइऑक्साइड दिख है। रहा है। मैं अभी आपको कुछ कह रही हूं, अभी आप ज्ञान बन के इसको सही समझिए, आगे आपकी ये पूरा प्रश्न क्लियर हो जाएगा। सौरभ जी आप बताइए। ये मैम सही लिखा, क्योंकि जो पल्मोनरी वेन होती है वो लंग से हृदय के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड हाँ लाती है, और बिल्कुल सही, पल्मोनरी आर्टरी जो है हार्ट से लेके लंग्स पे कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड जाती है। ओके मैम, हाँ यही इसलिए मैंने यस कहा कि आप समझिए, अभी हम सर्कुलेटरी सिस्टम में इसको क्लियर कराते, अभी यहाँ पर है पल्मनरी। अब मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, जो हमारी आर्टरी और वेन बाकी शरीर के जो भी होती हैं, लेकिन हमारी पल्मनरी आर्टरी और पल्मनरी वेन में ये बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है, ओके, यस मैम, इस चीज को हम आगे हृदय वाले में क्लियर कर लेंगे। अभी मैं नेक्स्ट जो शुरू कर रही हूँ, सर्कुलेटरी सिस्टम, इज इट ओके? यस मैम, ठीक है, बाकी सभी लोग सोच लो 2 मिनट, मैं आगे बढ़ रही हूँ। किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ बात हो तो भैया बता दो। इज इट ओके, शैल आई कंटिन्यू? यस मैम, ओके। ओके आई एम। 2 मिनट का ब्रेक लेना है किसी को, पानी वानी पियो। चलिए मैं स्लाइड शेयर कर रही हूं। कौन ज्वाइन करना चाहता है इस समय? एक मिनट रुको। माला साहू जी, ठीक है, सबको दिख रही है पिक्चर क्लियर? ठीक यस मैम, है, तो अब हमारा नेक्स्ट जो है वो होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने अभी पढ़ा कि हमारे जो ब्लड, जो ऑक्सीजन हमने ली एयर के माध्यम से, वो हमारे शरीर के अंदर गई और वो हमारे लंग्स के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में गई। अब वो जो ब्लड के बारे में ही हम बात करते हैं, तो जो ब्लड है वो बेसिकली हमारा पूरे शरीर में घूमता है, तो वो एक जगह से जाता है तो वापस फिर उसी जगह पे भी वापस आ ही जाता है। एक तरह से सर्कुलर मोशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक तरह से ये चक्कर सा ही है कि जहां से
चला और वहीं पे वापस आ जाते, एक तरह से मान के चल सकते हो आपके हृदय से जो है, हृदय ने आपके पूरे, अभी आपने देखा लंग्स ने जो था ब्लड फिल्टर करके दिया किसको, ब्लड को, और फिर हार्ट को, और हार्ट से होता हुआ वो हमारे पूरे शरीर पे, क्या फिर पूरे शरीर से जो ब्लड आके वापस कहाँ पे आता है, हमारे हृदय पे ही आता है। ओके, तो ये इसलिए इसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम का कोई और नाम जो आपको पता हो? रखता भी सर जी, एनीवन, कोई तो बता दो। ये परिरक्त संचरण तंत्र। तो ट्रांसलेशन हो गया हिंदी में। सही कहा वैसे आप लोगों ने। ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम कार्डियो कहते हैं, ट्रांसपोर्टिंग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पूरे शरीर में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके मूव कराता है और उसके साथ विटामिन मिनरल्स वगैरह जो है पूरे बॉडी में प्रोवाइड कराते हैं इसलिए। जो भी काम की चीज है ना, वो हमारे ब्लड के माध्यम से ही पहुंचती है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो आपने जो खाया पिया होता है, जो भी आप कह रहे हो विटामिन मिनरल, वो भी इसी से ही पहुंचते हैं। और साथ ही साथ गंदगी भी बाहर यही लेके जाता है। दिल्ली में है ना, मैं तो भाई दिल्ली में रहती हूँ, तो मैं दिल्ली का एग्जाम्पल देती हूँ। दिल्ली में आप लोगों को सुबह बिल्कुल ताजा सब्जियां चाहिए, फल चाहिए, ब्रेड चाहिए, मक्खन चाहिए, दूध चाहिए, कौन लेकर आता है दिल्ली के अंदर? कोई और तो आएगा नहीं, बड़े बड़े ट्रकों में वो सामान आता है, फिर हमारे घरों तक, बाकी जो है उन माध्यम से पहुंच जाता है। दिल्ली तक कैसे आता है? बड़े बड़े ट्रकों में आता है, या कोई भी ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता ही है। और फिर उसके बाद जब हम यहाँ पर अपने घरों में काम करते हैं, फिर कूड़ा करकट भी होता है, फिर कूड़े वाली गाड़ी आती है ना, फिर हम उसको कूड़ा देते हैं, वो कूड़े वाली छोटी गाड़ी बड़े कूड़े में डालती है और दिल्ली से बाहर ले जाती है डंपिंग यार्ड में, यही होता है। तो यही हमारा ब्लड का ही काम है, वो बेचारा अच्छी अच्छी चीजें लेकर आता है और बदले में हम, फिर हम उसे गंदगी देते हैं, वो भी हमारे शरीर से बाहर लेकर जाता है, तो इसलिए उसको ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम भी हम कह देते हैं। तो ये हमारे शरीर में पूरे में रक्त प्रवाह होता है हर चीज, क्योंकि काम की चीज भी यही दे रहा है, गंदगी भी यही उठा रहा है, तो ये हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ है, ठीक है, पूरे शरीर में ये जो है फैला हुआ है। तो आगे हम देखेंगे कि भाई किस तरह से, तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है कौन सा है? हमारा हार्ट, हमारा हृदय, ठीक है ना। हृदय आप इस पिक्चर में देखोगे, मैं इसको जूम करने की कोशिश करती हूँ, ये एक शॉट उसमें दिखाया है। देखो हमारे जो अभी हमने सांस भरी थी, मेरा कर्सर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, आज फिर से कर्सर गायब हो गया, दिख रहा है? नहीं मैम, फुल स्क्रीन से शायद दिखे। नहीं दिखेगा, चलो कोई बात नहीं। तो हमने श्वास जो भरी थी, फिर वो हमारे हृदय तक पहुंची फेफड़ों के माध्यम से, है ना, फिर जो फेफड़ों तक जो गैस पहुंची थी, वो फिर ब्लड के माध्यम से हृदय तक, और हृदय ने इसको पूरे पहुंचाया। तो फिर ये थी हमारी ब्लड वेसल्स, इनको हम रक्त वाहिनियां भी कहते हैं, ब्लड वेसल्स भी कहते हैं, और हमारा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है क्या है? हमारा हार्ट। तो हम आगे देखते हैं, एक मिनट, इसको मैं ऐसे कर सकती हूँ, यस याद आया मुझे। चलिए एक मिनट, मुझे टाइम दो, उसको जूम करके देखिए, शायद मुझे कर्सर कहाँ से मिलेगा।
चलिए कोई नहीं, तो अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम में देखेंगे हमारा मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है, हमारा हृदय है। हमने देखा था हमारे दो फेफड़ों के बीच में थोड़ी सी जगह थी जहां पर हमारा हृदय स्थित होता है, जिसे पसलियों के बीच में आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, क्या सभी को दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, तो हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में हमारे हृदय होता है, और फेफड़ों और हृदय की प्रोटेक्शन के लिए भगवान ने इसको कहाँ पे रखा है, हमारे दोनों जो पसलियों के बीच के पीछे, पसलियां जो है इनकी प्रोटेक्शन करती हैं। और हार्ट हमारा जो है होता है एक, हमारा क्या है, एक पंप है और कुछ नहीं है। जैसे आपके घरों में जब पानी आता है, आपकी टंकी तो ऊपर रहती है पानी तो, लेकिन थोड़ी देर के लिए आया है तो उस टंकी तक पानी जो पहुंचाने के लिए उसको प्रेशर की जरूरत पड़ती है, और वो प्रेशर कौन क्रिएट करती है, आपकी पानी की मोटर है ना, मोटर चलाते हो पानी का प्रेशर अच्छे से ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन हमारे शरीर में वो जो प्रेशर जो बनाता है वो कौन बनाता है, हमारा हृदय। तो हमारा हृदय कुछ नहीं है बेचारा, एक मोटर पंप है, एक पंप ऑर्गन है। ठीक है, इसका साइज कितना होता है आपको देखना होगा, ये मेरे हृदय का कितना साइज है ना। इंच टेप लेकर आओगे, जरूरत नहीं है, आप अपने हाथ की मुट्ठी बनाइए। ठीक है, आप अपने हाथ की मुट्ठी बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो दिल है इतना बड़ा है ना। तो अपने उससे आप इसको आराम से देख सकते हो कि आपके हृदय का साइज कितना सा है। यहाँ पर इसके वो भी लिखे हुए हैं, मेयरमेंट्स भी लिखे हैं। 12 सेंटीमीटर जो होता है ये लंबाई में होता है, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई में होता है, द्वंद्व मुट्ठी की तरह होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारे हृदय जो है हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में होता है, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट की साइड होता है। देखोगे आप इधर पिक्चर जो है थोड़ा सा राइट की साइड है, लेकिन ज्यादातर ये लेफ्ट की साइड है। ओके, क्लियर है? जो उसका हमारा कार्डियक नॉच था ना लेफ्ट लंग में, कल हमने पढ़ा था, वहां पर है। और नीचे वाला जो हिस्सा होता है हमारा हृदय का, वो कहाँ से जुड़ा होता है, हमारे डायफ्राम से, डायफ्राम की तरफ होता है। वजन लगभग लगभग एक पाव के करीब होता है, तो यहाँ पर 300 ग्राम लिखा हुआ है। पुरुषों में 280 से 340 ग्राम आप कहोगे, महिलाओं का दिल थोड़ा सा छोटा होता है, 230 280 ग्राम के करीब होता है महिलाओं का। रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं तो मैं कुछ और बातें मतलब सोच समझ के बोलनी पड़ती है। तो दिल जो है आप लगभग मान के चलेंगे 300 ग्राम के करीब होता है। समझने वाले समझ गए, सौरभ जी ने अच्छा इमोजी दिया। चलिए, अब जैसे हमने बताया था लंग्स के बाहर जो एक वॉल होती है, चार दीवारी होती है, जैसे मैंने बताया था ना, आप गाड़ी लेकर आते हो, सीट पे से कवर नहीं हटाते हो, है ना, कवर चढ़ाने की बहुत आदत होती है। क्यों होती है? क्यों? ताकि उसकी प्रोटेक्शन रहे। तो भगवान ने भी हमारे नेचुरली कवर चढ़ा चढ़ा के भेज रखा है। लंग्स की रिकवरिंग को क्या बोलते हैं? प्लूरा। यस, वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छी। मैं तो सोच रही थी कि एक दिन में कहीं भूल गए होगे। बहुत अच्छा, याद है, तो एग्जाम तक याद रहेगा, ये गारंटी है। ताजी चीज तो याद रहती है, लेकिन फिर भी बिना किसी रिवीजन के एकदम अचानक से कोई पूछ ले तब भी याद हो तो वेरी गुड। चलो, तो हार्ट की भी कवरिंग है। हार्ट की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। ये भी डबल लेयर होती है, जैसे बताई थी ना लंग की डबल लेयर की होती है, ऐसे ही हार्ट की भी डबल लेयर की होती है। देखो लंग की दिख रही है यहाँ पर, बाहर वाली लाल, अंदर वाली नीली सी, दोनों के बीच में गैप होता है ना, गैप जरूरी होता है कहीं पे भी होगा, नहीं तो क्या होती है, चिपक जाएगी आपस में, जैसे गुब्बारा का मैंने बताया था अभी, चिपक जाते हैं। तो कुछ ना कुछ वहां पर थोड़ी सी मेंटेन है नीचे, उसके बीच में एक तरह का फ्लूइड होता है। तो हमारे हृदय के बाहर भी झिल्ली होती है, उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, वो भी डबल लेयर की होती है। जो हृदय से चिपकी हुई होती है वो हमारी होती है विसरल पेरिकार्डियम, जैसे कि लंग वाली को भी हम विसलर प्लूरा कहते थे। और जो बाहर की तरफ है, मतलब जो हमारे रिब से चिपकी हुई होती है, बाहर की तरफ होती है, वो हमारी पेराइटल पेरिकार्डियम होती है। वहां पर भी हमने पढ़ा था पेराइटल प्लूरा होती है। दोनों के बीच में गैप होता है, इसको हम पेरिकार्डियल स्पेस बोलते हैं। उसके अंदर एक लिक्विड होता है, लिक्विड हमारे जो है कोई भी इंफेक्शन को जाने से रोकता भी है, और साथ ही साथ जो होता है ना
कोई भी अगर झटका लगता है, शॉक लगता है, इंजरी होती है तो उसको भी अब्सॉर्ब करता है. सेम विद द लंग्स एंड सेम विद द हार्ट. तो जो ये जो लेयर होती है इनका यही काम है. तो ये जो पेरिफ्लुइड का काम क्या है, प्रोटेक्ट हार्ट फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरीज एंड शॉक. मतलब वही, कोई भी झटका लगता है, कोई भी इंजरी होती है उससे उसको जो है पहुंचाता है. दूसरा, दोनों लेयर के बीच में जो लिक्विड होता है तो सिकुड़ने से बचाता है. जैसे कि मैंने अभी बताया था ना आपको, गैप नहीं होगा, आपस में चिपक जाएंगे, तो ये सिकुड़ने से बचाता है. और उसके साथ ही साथ क्या होता है कि स्पेस होता है तो अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ द हार्ट ऑल्सो. अच्छे से वो हार्ट का काम तो खैर दिन रात 24 घंटे ही सिकुड़ना और फैलने का होता है, तो वो उसकी मूवमेंट बहुत अच्छे से हो जाती है. ये वो छोटा बड़ा आराम से हो जाता है, ठीक है ना. और जो फ्लूइड होता है आपस में, जो फ्लूइड जो होता है वो रगड़ से बचाता है. हमने किसी जोड़ में भी किसी फ्लूइड की बात करी थी, अगर आपको याद होगा. साइनोवियल फ्लूइड. साइनोवियल फ्लूइड, यस, वेरी गुड. स्पेशली हमारे घुटने में बहुत है ना, नहीं तो हड्डी हड्डी आपस में टकरा जाएंगी. हार्ट हार्ट चीजें होती हैं तो उनकी अच्छे से जो रगड़ को बचाने के लिए होता है, तो ऐसे ही यहाँ पर ये भी हमारा फ्लूइड है. लेकिन इस फ्लूइड का क्या नाम है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है. और दूसरा, ये हमारे हार्ट के जो है वहां पर मॉइस्चर भी प्रदान करता है. ओके, अब जो हमारे जो हमारा हार्ट है, बेसिकली ये जो हमारी इसकी आउटर कवरिंग है, इसको हमने क्या बोला है, पेरिकार्डियम. तो यहाँ पर इसकी हम जो है तीन और इसकी हम लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे बाहर वाली तो हमारी पेरिकार्डियम थी, ठीक है ना, पेरिकार्डियम, ठीक है. ये आप एक ज़ूम कर देते हैं, ठीक है. और उसके बाद जो है अंदर उससे चिपकी हुई होती है एपिकार्डियम, ठीक है. फिर उसके अंदर हमारी होती है मायोकार्डियम, और उसके अंदर होती है एंडोकार्डियम. ये तीन वॉल होती है हमारे हृदय की. तो ये तीन अलग अलग तरह की लेयर्स बनाती हैं. अंदर से हम बाहर की तरफ जाएंगे तो जो अंदर वाली होती है, अंदर है तो एंडो है, बीच वाली मायोकार्डियम है और बाहर वाली एपिकार्डियम है. ये तीनों ही मिलकर हमारी पेरिकार्डियम बना रही है. ओके, ऐसा मान सकते हैं. अब पेरिकार्डियम वैसे इनके बाहर और बाहर होती है, पेरिकार्डियम बिल्कुल इनके बाहर की तरफ होती है, और अंदर की जो हमारी होती है एक एपिकार्डियम है जो कि एक तरह से एपिथेलियल टिश्यू है, फिर मस्कुलर टिश्यू मायोकार्डियम है, और जो अंदर की लाइनिंग जो हमारा बनाता है वो एंडोकार्डियम है. ओके, कौन सी मसल बता, एपिकार्डियम मसल नहीं है, लेयर है, वॉल है, मसल नहीं है, वॉल है, ये दीवारें हैं, आपके हृदय की दीवारें हैं, ठीक है. एक तो बाहर आपके घर की चार दीवारी होती है, ठीक है, बाहर की बाउंड्री वॉल होती है, गेट होता है, गेट कीपर बिठा रहा होता है, फिर उसके बाद आपका घर के अंदर की दीवारें शुरू हो जाती हैं, होती है ना, एक ड्राइंग रूम के बाद फिर किचन की अलग होती है, फिर वहां की, तो इस तरह से आप मान के चल सकते हो, ठीक है. ओके, तो ये हमारी लेयर्स हैं, ये हमारी वॉल वो है. फिर अब हम ये फिर से हो गया, अब हम देखेंगे हमारे हृदय के अंदर क्या है. बाहर की बात हो गई और वो करते करते हम देखते हैं हमारा हृदय जो है खोखला है, खाली है, ठीक है. इसके अंदर क्या है, सिर्फ चार कमरे हैं, दो ऊपर के कमरे हैं, दो ऊपर के माले में कमरे हैं, जो दो नीचे के माले में कमरे हैं. ग्राउंड फ्लोर है और अपर फ्लोर है, ठीक है. तो ग्राउंड फ्लोर में भी दो कमरे हैं और अपर फ्लोर में भी दो कमरे हैं, और इनका आपस में कनेक्शन है, कैसे है वो हम देखेंगे. तो जो ऊपर के कमरे हैं हमारे, फर्स्ट फ्लोर के जो कमरे हैं उनको हम बोलते हैं एट्रियम. क्या बोलते हैं, एट्रियम. दो एट्रियम हैं, ठीक है. और नीचे वाले जो फ्लोर को हम बोलते हैं वेंट्रिकल. ऊपर वाला एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल, ऊपर वाला एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल. अब इसको हमने पूरे घर में ना हमारा जो हो गया है बंटवारा, भाई भाई का जानी दुश्मन, राइट और लेफ्ट में हो चुका है बंटवारा. तो राइट और लेफ्ट में दो दो कमरे तो थे ही ना, पर राइट और लेफ्ट में बट चुकी है दीवार. मैम स्लाइड शो नहीं हो रही, किसको नहीं हो रही, नहीं हो रही है मैम, क्लियर है. आप दोबारा लॉग इन करिए माला जी. तो वो जो एक दीवार खिंची हुई है, जो दीवार हमारे दोनों कमरों को राइट और लेफ्ट में जो है विभाजित करती है, ठीक है. अब ये भैया दो घर बन चुके हैं, एक बड़े भाई का, एक छोटे भाई का, या दोनों जुड़वा भाई होंगे तो कौन बड़ा कौन छोटा, एक राइट भाई और एक लेफ्ट भाई,
ठीक है, ऊपर का कमरा एट्रियम का, नीचे का कमरा वेंट्रिकल का, ऐसा समझ गए हो? ठीक है, अब इनके जो कमरे में ऊपर के और नीचे के माले में तो कनेक्शन है, यहाँ पर ही देख रहे हो लिफ्ट लगी हुई है, यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है, लेकिन राइट और लेफ्ट ये बीच में कहीं नहीं मिलेंगे, इनके बीच में खिंच चुकी है दीवार, ये है पूरी दीवार, यहाँ पे बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन राइट साइड में ऊपर नीचे माले में कनेक्शन है और लेफ्ट साइड में ऊपर नीचे माले में कनेक्शन है, क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर ये एक और बात हम कह रहे हैं कि एक मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है, कितनी बार आपका दिल धक 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 करता है, कितनी बार 72 times गिना है कभी? आवाज सुनी है दिल की, कैसी आवाज होती है? यस मैम, बताओ। लब 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 लब, यस वेरी गुड। जो कहते हैं धक धक वो माधुरी दीक्षित के फैन है, और जो कहते हैं लबडब वो यूजीसी नेट क्लियर करने वाले फैन हैं, तो लबडब की आवाज आती है, क्लियर है? लेकिन वही चीज बच्चे में होती है ज्यादा, बच्चे का दिल कितनी बार धड़कता है? लगभग 120 से लेके 140 तक धड़क सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी को ज्यादा उस समय रिक्वायरमेंट होती है, उसका ब्लड का ज्यादा जो है दिल ज्यादा बारी से धड़कता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे, एक दो चीजें मैं आपको पॉइंट बता देती हूँ, वो याद रखना। हमारा जो एक तो साफ और गंदा खून कुछ नहीं होता, खून खून होता है, कभी भी काट लेना, अगर आपको वेन या आर्टरी से कोई भी ब्लड निकला हो ना, आपको कोई लगेगा दिखने में जैसे वो नाना पाटेकर निकालता है ना कि तेरा खून खून है मेरा खून है, मिक्स कर देता, पता नहीं चलता, ऐसी कुछ नहीं होता, सिर्फ हम लोग आम भाषा में समझने के लिए इन चीजों का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज जो टर्मिनोलॉजी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, साफ या गंदा नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है बेचारी, गंदी नहीं है, वो भी आपके पेड़ पौधों को चाहिए, वो पेड़ पौधे काम करते हैं तभी आपको ऑक्सीजन दे देते हैं, वो डिपेंड करता है आपके शरीर में वो जो है वो टॉक्सिन्स क्रिएट करती है। ठीक है, तो हमारे शरीर में एक साइड पे ही जो है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और एक ही साइड पे हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब भैया दीवार तो खिंच चुकी है बीच में, तो एक ही साइड एक ब्लड आएगा, दूसरी साइड दूसरा ब्लड आएगा, मिक्स नहीं होगा, ये बात मान लेना। कहां पर? हृदय में। ठीक है, तो हृदय में जो हमारा राइट साइड है, हम कहते हैं ना राइट इज ऑलवेज राइट, पर यहाँ पे राइट के पास क्या है? डीऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड है भरपूर मात्रा में, इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड है जिसको आप कहते हो सो कॉल्ड गंदा खून। कहाँ पर आता है? राइट पर आ रहा है। ठीक है, ऐसा मान के चलो जब भी आपको घर में क्लीनिंग करनी होती है, साफ सफाई करनी होती है, किससे करते हो? राइट हैंड से ही करते हो ना, उसी से करते ना, रगड़ रगड़ के पोंछा मार रहे हो, डस्टिंग कर रहे हो, झाड़ू मार रहे हो, तो कहाँ पर होती है? जहां पर गंदगी होती है। तो यहाँ पर हमारा राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट साइड ऑफ द हार्ट में। ठीक है, यहाँ पे इसमें देख रहे होंगे। लेफ्ट साइड पे क्या है? लेफ्ट साइड पे है आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला, लाल रंग का दिख रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बोला, आई एम सॉरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, आई एम सो सॉरी। तो लेफ्ट साइड पे हमारे हार्ट पे हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और राइट साइड पे हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, इज इट क्लियर? ठीक है, दो चीजें और ध्यान रखना, कोई भी चीज अगर हृदय के अंदर आ रही है, आएगी जिन पाइपों से, इसके अंदर आने वाले ये देख रहे हैं ना पाइप होते हैं, जो चीजों को, चीज क्या आती है? ब्लड ही आते हैं इसके अंदर, तो आने वाले जो इसके अंदर होते हैं क्या होते हैं? वो पाइप्स होते हैं, पाइप्स होते हैं ना, घरों में आपके घर में जो है पानी आता है, नलका चलाते हो, है ना, पाइपलाइन बिछी हुई है, ऐसे ही तो नहीं आता ना, कहीं से उड़ता हुआ बहता हुआ आ गया, पाइपलाइन से आता, तो इसकी भी खुद की पाइपलाइंस है। ठीक है, तो जो ब्लड को अंदर लेकर आ रही है, अब एक बात कान खोल के सुन लेना, जो ब्लड को अंदर लेकर आएंगी उनको क्या कहेंगे? वेन्स कहेंगे। अभी वो वेना सेवा छोड़ दो, सिंपल सी भाषा बोलो, बाकी सबको नहीं पता,
जो ब्लड लेकर आएंगी, अभी मैं सिर्फ ब्लड बोल रही हूं, ब्लड बोल रही हूं, जो लेकर आएंगी अंदर का आएंगी वो होंगी वेन्स, और जो ब्लड को बाहर लेकर जाएंगी जो एग्जिट वाले दरवाजे की होंगी वो कौन सी होंगी? आर्टरीज। समझ गए? ये चीज समझ जाओ, एमी जी आप स्पेशली समझ जाओ, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब ये आगे इस पॉइंट का मामला आएगा जब आप ये समझ जाओगे। तो अभी हमने देखा था कि हमारे हृदय के अंदर चार कमरे थे, दो ऊपर के थे, दो नीचे के थे, और बीच में पार्टीशन था। तो राइट और लेफ्ट के अलग अलग जो हैं अपने अपने चैम्बर्स हैं। तो ऊपर वाले चैम्बर्स को हम एट्रियम बोलते हैं। तो यह यहाँ पे हुआ राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, नीचे वाले राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रियम छोटे होते हैं, वेंट्रिकल बड़े होते हैं। हिंदी में एट्रियम को हम क्या बोलते हैं? आलिंद। और वेंट्रिकल को बोलते हैं निलय। आलिंद और निलय, आलिंद बड़े होते हैं और निलय छोटे होते हैं। ओके और इसमें भी एक ये बात थी कि दायां आलिंद बाएं आलिंद से बड़ा होता है। तो मतलब राइट एट्रियम आपका लेफ्ट एट्रियम से बड़ा होता है, क्लियर है? और वहीं पर ही बाया निलय, बाया मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल, पिक्चर में आप देख ही रहे हो, लेफ्ट वेंट्रिकल आपका राइट वेंट्रिकल से बड़ा होता है। क्लियर है पिक्चर? ये समझ आई सबको? यस मैम। ये पिक्चर किसी बच्चे ने बनाई है क्या या किसी समझदार ने बनाई होगी? आपको क्या लगता है? कोई भी बोले, समझदार नहीं बनाई होगी ना? नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है ना कि जैसे वो ये किसी ने सोचा ये छोटा बना दिया, ये बड़ा बना दिया, तो इसीलिए बनाए हैं कि राइट एट्रियम बड़ा है, लेफ्ट एट्रियम छोटा है, राइट वेंट्रिकल छोटा है कंपेरेटिव टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर हो गई? इसमें आपको चार दीवारी दिख रही है हृदय की, ये दिख रही है आउटर वॉल। एक जगह ये मोटी क्यों बना दी इन्होंने, टेढ़ी मेढ़ी बना दी, फिर से गलत बना दी ना? गलत नहीं बना दी? नहीं मैम, गलत नहीं है। गलत नहीं है, चलो। इसका अब अभी एक प्रश्न को मैं छोड़ देती हूँ, आगे पूछूंगी कि ये ऐसे क्यों बनाई इन्होंने, आप लोगों ही बताएंगे। ठीक है, चलो आगे चले। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ये जो हमारे ब्लड के जो फ्लो होता है इसके बारे में। ठीक है, तो हमने पहले पढ़ा था हमारे राइट एट्रियम था, लेफ्ट एट्रियम था, राइट वेंट्रिकल था, लेफ्ट वेंट्रिकल था, कि ब्लड कहाँ से आता है कहाँ से जाता है। हमने क्या बात करी थी अभी, कौन से पाइप से ब्लड अंदर जाता है हार्ट के अंदर, और बाहर कौन से पाइप से जाता है? ये चीज हमेशा गांठ बांध के याद रखना, ठीक है? कंफ्यूज नहीं करोगे, रट्टे मारने नहीं पड़ेंगे। तो दो आलिंदों, दो एट्रियम के बीच में सेप्टम होता है, जो मैंने बताया था ना, बंटवारा हो गया था, भाई भाई के बीच में दीवार खिंच गई थी, तो ये बंटवारे वाली दीवार है। इसको हम बोलते हैं अंतरा आलिंद पट्टा, मतलब इंटर एट्रियल सेप्टम। ऊपर वाली पिक्चर में दिखा देती हूँ, ये वाला, ये जो ना एट्रियल सेप्टम, एट्रियल सेप्टम मतलब दोनों के बीच में जो दीवार है, इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम दोनों के बीच में जो पार्टीशन है। उसके बाद है ये जो एट्रियल सेप्टम है ये हल्की बाईं तरफ होती है, इसी की वजह से दायां आलिंद बड़ा व बायां आलिंद छोटा होता है। क्लियर हो गया ये बात? ये जो पट्टी थी ये थोड़ी सी शिफ्ट होती है लेफ्ट की तरफ, इसीलिए हमारा राइट एट्रियम बड़ा होता है कंपैरेटिवली टू लेफ्ट एट्रियम। क्लियर? ओके, इसके बाद हम वेंट्रिकल की बात करेंगे। जो वेंट्रिकल्स के बीच की जो दीवार है उसको क्या बोलते हैं? इंटर वेंट्रिकल सेप्टम, अंतरा निलय पट्टा। ओके, अब अंतरा निलय पट्टा कहाँ होता है? वो थोड़ा सा राइट की तरफ। उसने कहा अच्छा तू उधर की लेफ्ट की तरफ जा रहा था, तो अब तू राइट की तरफ जा। तो नीचे वाला जो पट्टा होता है कहाँ होता है? वो थोड़ा सा राइट की तरफ होता है। तो इसी वजह से हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है? बड़ा होता है, और राइट वेंट्रिकल छोटा होता है कंपैरेटिवली दोनों में से।
ठीक है, समझ गए हो? और इसकी राइट वेंट्रिकल की देखो ये मोटी वॉल होती है, यहाँ पर लिखा है इट इज थिक, मोटी मस्कुलर वॉल, इस पिक्चर में भी दिखा रखी है ना, जो बेसिकली वेंट्रिकल की होती ही मोटी है, लेफ्ट वेंट्रिकल की कंपैरेटिवली दोनों वेंट्रिकल से मोटी होती है, देखो बाकी सबसे भी मोटी है वेंट्रिकल्स की, लेकिन राइट लेफ्ट वेंट्रिकल की और भी मोटी है। ओके, अब हम बात करेंगे यहां पर जो है, ओके क्लियर है, अब यहां पर जो है हमारे पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन को फुसफुसीय शिरा, फुसफुसीय मतलब फुफुस हम लंग्स को भी बोलते हैं, पल्मोनरी वेन, ये वेन कहां से आती है, ये इसका जो है संबंध है लंग्स से, ठीक है, पल्मोनरी, पल्मोनरी मतलब लंग से, जो लंग से जो हमारे ब्लड आने जाने का काम होता है वो वेन और आर्टरी का होता है, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ पर आई थी, लंग्स में आई थी, वो ऑक्सीजन किसने ली थी, ब्लड ने ली थी, वो ब्लड किस में बह रहा था, आर्टरी या वेन में बह रहा था, क्लियर है ना। अब हम देखते हैं इसमें क्या होता है, तो जो पल्मोनरी वेन जो हमारे लंग से आई थी उसमें कौन सा ब्लड होता है, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि पल्मोनरी वेन के जरिए लंग से शुद्ध रक्त को हृदय से, हृदय में लाया जाता है, ठीक है, क्लियर है। और शुद्ध रक्त हमारा किधर आता है, राइट साइड या लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में मैम, लेफ्ट साइड में आता है, और हमेशा ब्लड ऊपर ही आता है, ऊपर से आराम से नीचे जाता है, तो जो लंग से हमारा ब्लड आया और कौन सा ब्लड था, ऑक्सीजन वाला, वो आया हमारे कहां पर, लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट साइड पे ऊपर आया, लेफ्ट एट्रियम में आया, आ गया, उसको कौन लेकर आया, कौन लेके आएगा, पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, हार्ट के अंदर ब्लड लाने का काम कौन करता है, आर्टरी, वेन, वेन्स, अभी बात ये नहीं, अभी आर्टरी की नहीं, हार्ट के अंदर ब्लड लाने का काम कौन करता है, वेन्स, यहाँ पर हमारा साफ खून आ रहा है, शुद्ध रक्त आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, लंग से आ रहा है, तो वो जो लंग से हमारी जो यहाँ पर आती है, क्या अंदर तो कौन लेकर आ रही है, वेन लेकर आ रही है, अंदर तो इसके ब्लड वेन ही लेकर आती है ना, यस मैम, क्लियर है, अंदर खून वेन से आएगा, बाहर खून आर्टरी से जाएगा, तो अंदर लाने वाली वेन थी, लेकिन इसके अंदर कौन सा है, साफ खून है, ठीक है, जितनी भी हमारी आर्टरीज और वेन्स हमारे जितने भी बाकी शरीर में है उनमें और पल्मोनरी आर्टरी और वेन में डिफरेंस होता है, पल्मोनरी और आर्टरी वेन में ये हमेशा अपोजिट होता है, ठीक है, तो जो हमारे लंग्स के अंदर जो ब्लड होता है वो हमारा साफ खून लेकर वेन के माध्यम से कहां पर आएंगी, हमारे लेफ्ट साइड के एट्रियम पर आएंगी, क्लियर हो गया, पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन विच हैव प्योर ब्लड, क्लियर हो गया, बाकी जितनी भी हमारे शरीर के अंदर आर्टरीज और वेन्स होती हैं उनमें हम जो अभी तक पढ़ते हुए आते हैं वही होता है साफ खून और गंदा खून, लंग्स में ये अपोजिट होता है, ओके, तो अभी ये जो लंग्स से जो हमारी ब्लड लेकर आ रही थी, लेकर आने का काम तो वेन ही करती है ना, तो ये वेन ही है, अब हमारा ब्लड कहाँ पे आ गया, लेफ्ट साइड के एट्रियम में आ गया, इस पिक्चर में भी यही दिखाया गया है, देखो तो ये एट्रियम में पहले ब्लड आएगा, एट्रियम में जब ब्लड ऊपर से भर जाता है तो ये जो दरवाजे होते हैं ये जाते हैं खुल, ठीक है, दोनों के बीच में दरवाजे लगे हुए ना ऊपर से नीचे जाने में, तो जब ये दरवाजे खुल जाते हैं तो सारा खून जो है नीचे भर जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ओके, और ऐसे ही वहां पर भी होता है, यहां पर आता है हमारा राइट साइड पे कौन सा ब्लड बताइए, पिक्चर मूव क्यों कर रही है, ओके, यहाँ पर जो होता है हमारे
राइट एट्रियम में आता है गंदा खून और वो जाता है नीचे, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है हम बात करेंगे पहले अपने साफ खून की, ठीक है। साफ खून हमारे लंग से आया लेकर वो हमारी पल्मोनरी वेन से लेकर आया। पल्मोनरी वेन्स कौन सी थी हमारी, राइट और लेफ्ट करके, यहाँ पे ये वाली राइट होती है, ये वाली लेफ्ट होती है, दिख रही है क्या सबको? आज मेरा मार्कर नहीं चल रहा, बड़ा मुश्किल हो जाता है दिखाना। दिख रहा है पिक्चर में आप? Yes, आप कलर बताइए तो हाँ, हो जाएगा। रेड कलर में ही आप देखिए, हम लेफ्ट एट्रियम की बात कर रहे हैं। अपन देखें कुछ इसमें हो जाए। अभी दिखाई दे रहा है क्या आपको पिक्चर? तो क्लियर है, एक मिनट मैं इस पे देखती हूँ, शायद इस पे आ रहा है पॉइंटर ऑप्शन ना। अब दिख रहा है आपको पॉइंटर? पॉइंटर दिख रहा है आपको? नहीं मैम, पॉइंटर भी नहीं दिखा। आपको दिख क्यों नहीं रहा ये? अभी भी नहीं दिख रहा कुछ भी आपको हाइलाइटर? नहीं मैम। तो ठीक है, मैं इसको छोड़ ही देती हूँ। मैम ड्राइंग में जाइए, वहां से ऑप्शन ओपन होते हैं। नहीं वो मैंने कर लिया, चलिए देखती हूँ। पर वो ना ड्रॉ हो जाएगा फिर, दिख रहा है आपको? अब ये ना ड्रॉ हो जाएगा। yes. ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब देखिए, अरे कि यहाँ पर yes. ये दोनों जो हैं हृदय से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर आ रही हैं, ठीक है। ये दोनों ब्रांचेस इसकी थी, ये दोनों और ये दोनों, पीली पीली सी जो अब नजर आ रही है। अब ये ब्लड लेकर पहुंची कहाँ पे? हमारे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम पूरा भर गया, देख रहे हो आप मेरा वो दिख रहा है, मैं येलो येलो कर रही हूँ इनको। यस मैम, ठीक है। अब जब ये भर गया तो जो हमारे ये जो दरवाजे हैं, ये दोनों देखिए, ये वाले दरवाजे ये दरवाजे थे ना, ये दोनों खुल गए प्रेशर से। प्रेशर ज्यादा हो गया तो खुलेंगे, खुल के फिर कहाँ पे चला जाएगा हमारा ब्लड? फिर से हमारा जो है नीचे वेंट्रिकल में आ जाएगा, यहाँ पर ये भर जाएगा, दिख रहा है? यस मैम, ठीक है। अब यहाँ पे भरने से फिर क्या होता है, जब यहाँ पर प्रेशर हाई हो जाता है, फिर क्या होगा, यहाँ से ब्लड निकल के हमारा जो है यहाँ से निकलेगा और फिर निकलेगा हमारा यहाँ पे आयोटा में, पीछे से ये दिख रही है आयोटा, ये यहाँ से निकला तो ये आयोटिक वॉल्व है, यहाँ पर आपको दिख रही है, मैं सर्कल बना रही, ये आयोटिक वॉल्व, ये वाला दरवाजा खुला आयोटिक वॉल्व से, ये हमारी सबसे बड़ी आयोटा जो हमारी सबसे बड़ी क्या है, धमनी है, शरीर की सबसे मोटी सबसे बड़ी धमनी आयोटा, यहां से हमारे पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई होता है। ये इसकी तीन ब्रांचेस दिख रही हैं, ये क्लियर है? यस मैम, है ना मैम? हाँ बोलिए। कुछ नहीं मैम, दिख नहीं रहा था तो बोलने वाला था लेकिन आ गया। अच्छा आ गया। मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि लेजो इफेक्ट, आई थिंक सो इट विल वर्क। तो ये हमने देखा कि यहाँ से ये लेजो इफेक्ट क्या है भैया, पता नहीं। ये देखो येलो वाला ही लेते हैं। ये थी हमारी पल्मोनरी वेन, ये थी और ये थी राइट, ये थी लेफ्ट।
अब यहां से हमारे इसमें आ गया ब्लड, इसमें लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में जब इतना ब्लड भर गया तो हमारे दरवाजे ये जो थे मिट्रल वॉल्व ये खुल जाएंगे। कौन से थे दरवाजे? ये मिट्रल वॉल्व, ये अभी बंद है, खुल गए। अब खुलने से क्या होता है, फिर हमारे पूरा ब्लड किसमें भर गया? लेफ्ट एट्रियम में भर गया। जब लेफ्ट एट्रियम में भर जाएगा तो यहाँ पर हमारे आयोटा की तरफ ब्लड जाना है, तो यहाँ का फिर ये जो दरवाजा है ये खुलना शुरू हो गया, यहाँ का आयोटिक वॉल्व, ठीक है। यहां से फिर हमारा आयोटा के अंदर ये ब्लड यहाँ पे निकल गया, यहाँ से बाहर चला गया। अब यहाँ से बाहर जाके कहाँ जाएगा? हमारे पूरे शरीर में फैलेगा, पूरे शरीर में एक एक सेल, एक एक टिश्यू, एक एक लीवर, एक एक किडनी, फलाना ढिकाना सब जगह जाएगा। जहां पे जाके वो ऑक्सीजन दे देगा, और बदले में क्या लेकर आएगा? बदले में लेकर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे किसमें आती है? वेन्स में आती है। सारी वेन्स मिलके फिर हमारी बड़ी बड़ी वेन्स बना लेती हैं, और फिर सबसे बड़ी एक बनती है वेन, जिसको हम कहते हैं वेना केवा। ये क्या कहते हैं? वेना केवा। तो एक होती है सुपीरियर वेना केवा जो कि यहाँ पे है, और एक इन्फीरियर। अब इन्फीरियर वेना केवा हमारे शरीर का गंदा खून लेकर आई, आई आई कहाँ आई? हमारे हृदय के अंदर। और यहाँ पर हमारी ये सुपीरियर से मैं देखूंगी, सुपीरियर इन्फीरियर दोनों ही कहाँ पे खुलेंगी? ये खुलेंगी हमारे एट्रियम में। अब एट्रियम में ब्लड भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है ना। इन्फीरियर यहाँ से ब्लड लेकर आई, सुपीरियर वाली यहाँ से लेकर आई, ये ब्लड भर गया, भर गया, भर गया, भर गया। जब प्रेशर हो गया तो क्या खुलेगा? अब ये बीच का दरवाजा खुलेगा, जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलेगा तो नीचे फिर राइट वेंट्रिकल में हमारा ब्लड भरना शुरू हो जाएगा। ये ऊपर का दरवाजा बंद हो जाता है जब नीचे में ब्लड आता है। जब ये भर जाता है तो फिर हमारा, अब यहाँ पर हमारी पल्मोनरी वॉल्व है, ठीक है। पल्मोनरी वॉल्व फिर इसका दूसरा कलर कर ले। फिर ये जो हमारी पल्मोनरी वॉल्व है, ये वाली दिख रही है, ये इसका कलर नहीं मैच किया, ये पल्मोनरी वॉल्व ये खुलनी हो जाएगी, ठीक है। समझ आए यहां तक? क्लियर है? हाँ जी मैम। तो ये राइट, देखिए नहीं, देखो इन्फीरियर से आया ब्लड यहां पर घुस गया, ठीक है। फिर सुपीरियर वेना केवा से ब्लड यहां पर भर गया, ठीक है। अब ये पूरे में राइट एट्रियम में ब्लड भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है। अब भर गया तो ये जो दरवाजा है कौन सा? ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये खुल जाएगा, खुल जा सिम सिम। फिर ब्लड यहाँ से यहाँ पे भरना शुरू हो गया, ये बंद हो जाता है, ये वाला जो दरवाजा है ये बंद हो जाता है जब इसके अंदर ब्लड भर जाता है। तो जब ये ब्लड भर गया, भर गया, भर गया, भर गया, तो फिर ये वाला दरवाजा कौन सा? पल्मोनरी वॉल्व वाला, ये वाला, ये खुल जाएगा। और यहां से फिर जो है ब्लड निकलेगा, कहां जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। ये क्योंकि ऑक्सीजन वाला, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी से निकल के कहां जाएगा? हमारे राइट लंग और लेफ्ट लंग में, साफ होने के लिए। क्लियर है? होप सो समझा पाई हूं क्या? अभी मैं यहीं पे विराम दूंगी क्योंकि टाइम हमारा हो चुका, मैंने टाइम का ध्यान नहीं दिया था। अभी किसी का प्रश्न है तो प्रश्न ले लेते हैं। मैम मिट्रल वॉल एंड उसी को बाइक